बाद सभी को बेसिक इंटरनेट की जो क्लास स्टार्ट करने की थी उस वीक में एक दूसरी क्लास है, और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वेब ब्राउजर के बारे में और वेब ब्राउजर क्या है और किसने इसको सबसे पहले बनाया इसके बारे में डिस्कस करेंगे और क्या क्या इसका काम हो सकता है ये हम लोग देखेंगे। आमतौर पे जितने भी आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा जिसमें एमएस वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसको बोलते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, कैलकुलेटर हो गया, पेंट हो गया, इसी तरीके का एप्लीकेशन है आपको वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र का एक्चुअल में काम ये है कि जब मुझे या आपको इंटरनेट के माध्यम से किसी भी साइट्स को यदि यूज़ करना है, किसी वेबसाइट्स के कंटेंट्स को पढ़ना है, किसी वेबसाइट के वीडियो को डाउनलोड करना है, या फिर किसी को ईमेल करना है, आए हुए ईमेल को आपको देखना है, इन तमाम कामों के लिए एक कंप्यूटर के अंदर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं हम लोग वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और बाकी जो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर, उसी के तरह ये भी आपके कंप्यूटर में विंडोज़ के साथ ही एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल्ड आता है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। जो पुराना विंडोज़ वर्जन था उसके अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर करके एक एप्लीकेशन आता था और वो भी एक वेब ब्राउज़र ही था, और उसका भी काम, और या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज या क्रोम जो भी आपने नाम सुना होगा, ओपेरा, यूसी ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे ब्राउज़र का नाम है, और इन सभी ब्राउज़र को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने का पर्पस ये होता है कि हम वेब कंटेंट्स, वेब सर्विस जो भी हम यूज़ करते हैं उसको हम यूज़ करते हैं। अब सोचिए कि यदि कंप्यूटर में ब्राउज़र नहीं है तो फिर इंटरनेट से जो आप गाने डाउनलोड करते हैं, पिक्चर डाउनलोड करते हैं, ये सब चीज़ें कैसे, कहाँ लोड करेंगे, कहाँ डाउनलोड करेंगे, तो इसलिए हर कंप्यूटर में एक ब्राउज़र होता है। छोटा सा एक डेफिनेशन यहाँ पे है, मैंने बता भी दिया कि ये ब्राउज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसका काम है वेबसाइट्स को यूज़ करना, वेबसाइट्स के ऊपर जो कंटेंट्स है उसको आपके कंप्यूटर को विजुलाइज करा देना। पहला जो वेबसाइट्स है, सॉरी पहला जो ब्राउज़र है उसको एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट है जिनका नाम था टिम बर्नर्स-ली, ये देखिए यहाँ पे टिम बर्नर्स-ली, ये एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और इन्होंने पहला वेब ब्राउज़र बनाया था और इसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब या www, जो आप आज डेट में हर वेबसाइट्स के नाम का शुरुआत देखते होंगे तो www से स्टार्ट हुआ, वो एक्चुअल में पहले ब्राउज़र का नाम है। कुछ जो ब्राउज़र आज डेट में फेमस है और आपने देखा होगा और अपने कंप्यूटर में यूज़ भी किया होगा, उसके यहाँ पर कुछ नाम है जिसमें पहला नाम मैंने लिखा है मोजिला फायरफॉक्स, ये एक ब्राउज़र है। ओपेरा एक ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी करके ब्राउज़र आता है मोबाइल फ़ोन के लिए। तीसरे में है सफारी, चौथा है आपका क्रोम, पांचवा क्रोमियम, छठा आप देख रहे हो उसमें यूसी ब्राउज़र, सातवां है माइक्रोसॉफ्ट ए जो अभी विंडोज 10 या 11 जो विंडोज आ रही है उसके अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट एज नाम से आ रही है, और आठवां ये है पुराने जो विंडोज़ थे उसके अंदर आता था इंटरनेट एक्सप्लोरर। इस तरीके से आपने ये देखा कि कुछ ब्राउज़र है जो हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में आज की डेट में देखने को मिलता है। ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में आपको क्रोम दिखता होगा क्योंकि इसका जो इंटरफेस है काफ़ी आसान है और बहुत ही आसानी से इसको यूज किया जा सकता है। तो ये आज के डेट में जो वेब ब्राउज़र है, ये छोटी क्लास थी, इसके अंदर आपने देखा कि ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र किसने बनाया और कुछ जो फेमस ब्राउज़र है उसके एग्जांपल्स आपने देखे। एक मिनट में मैं आपको इसको ब्रीफ कर देता हूँ कि ब्राउज़र क्या है। ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ऑलमोस्ट हर कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन में ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल्ड आपको मिलता है। इस सॉफ्टवेयर का काम ये है कि आप वेब कंटेंट्स या वेबसाइट्स को आप यूज़ करना चाहते हैं या वेब सर्वर को यूज़ करना चाहते हैं, सॉरी वेब सर्विस को यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। हर कंप्यूटर में एक ब्राउज़र आता ही है। यदि आप विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे, पुराना वर्जन इंस्टॉल करेंगे तो विंडोज़ एक्सप्लोरर होगा, यदि नई वर्जन इंस्टॉल करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एज मिलेगा। एडिशनली सभी लोग क्रोम या दूसरा कोई अपने सहूलियत के हिसाब से इंस्टॉल रखते हैं।
पहला जो ब्राउजर था वर्ल्ड वाइड वेब उसको क्रिएट किया था टिम बर्नर्स ली ने। तो ये ओवरऑल है और आप इसको नोट कर ले अपने नोटबुक के अंदर और आगे इसको प्रैक्टिस में रखें। आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा मिल सके। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।